फार अवे दोस्तों, ये मूवी मैं देख चुका हूँ जो कि कॉमेडी ड्रामा रोमांटिक मूवी होने वाली है। और ये मूवी लगभग 1 घंटा 50 मिनट की है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, हिंदी डब में अवेलेबल है। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस मूवी को देखने के दौरान, वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अरे दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौड़, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडियन फिल्म रेट में। दोस्तों, इस मूवी की कहानी दरअसल फोकस करती है जैनिक नाम की औरत पे जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अनहैप्पी होती है। वहीं दूसरी तरफ उसका हस्बैंड होता है जो उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। तीसरी तरफ उसकी बेटी भी होती है जो उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती है। और उसकी बच्ची कुछ ही लाइफ में बस उसकी माँ ही रहती है और वो भी एक दिन चली जाती है। फिर उसको एक दिन पता चलता है कि भाई उसकी माँ क्रोशियन आइलैंड में उसके लिए एक घर छोड़ के गई है। जैसे ही उसको उस घर के बारे में पता चलता है तो वो उसको बेचने के लिए क्रोशियन आइलैंड निकल पड़ती है। फिर वहां पे जाके उसकी एक हैंडसम बंदे से मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद में इन दोनों की केमिस्ट्री में क्या कुछ आगे होता है और क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग निकल के आती है, ये अपनी लाइफ में खुश हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, यही सारी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी पूरी देखनी पड़ेगी। दोस्तों, इस मूवी के अंदर हमें यही दिखाया गया है कि भाई प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार किसी भी उम्र में हो जाता है। अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए, खुल के जीना चाहिए, एक खुशहाल तरीके से जीना चाहिए, यही सब चीजें ये मूवी दिखाती है। दोस्तों, इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है, आपको बहुत ज्यादा बोरियत फील होगी फर्स्ट हाफ के दौरान। लेकिन जैसे ही आप सेकंड हाफ में पहुंचोगे आपको ठीक ठाक कॉमेडी देखने को मिलेगी और उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीजें भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर मैं मूवी की बात करूं तो ठीक ठाक है, आप मूवी देख सकते हो। अगर आपको रोमांटिक मूवी देखना पसंद है तो आप देख सकते हो, इस मूवी की तरफ जा सकते हो, इसमें आपको ठीक ठाक कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी को मैं रेटिंग करूंगा 4.5 out of 10। और अगर आप ये मूवी देख लोगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।